समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में बीते 23 अगस्त को NH-28 पर सुधा डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक व उनके चालक की हत्या और लूट मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड और लूट कांड से वांछित अभियुक्त को दो अन्य अपराधियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाने पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर DSP प्रीतीश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सुधा व्यवसाय हत्याकांड का वांछित अभियुक्त राम कुमार सिंह उर्फ छोटू मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत करपुरी ग्राम में अपने मामा के घर आया हुआ है। वो अपने गिरोह के सरगना कुख्यात अपराधी मनीष कुमार सिंह के जेल जाने के बाद एक नया गिरोह बनाने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने वांछित अभियुक्त राम कुमार सिंह उर्फ छोटू को उसके मामा के करपुरी ग्राम स्थित घर के निकट छापेमारी करते हुए दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य दोनों साथियों की पहचान बिरजू सहनी एवं चुन्नू कुमार सिंह उर्फ ध्रुव कुमार के रूप में की गई है। इनके पास से हथियार व कारतूस भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। सदर DSP ने बताया कि इन सभी अपराध कर्मियों का विभिन्न जिलों में कई थानों में पूर्व का आपराधिक इतिहास है। कुमार सिंह छोटू है जो कि देसरी थाना क्षेत्र वैशाली कराने वाला है, उसकी गिरफ्तारी उसके दो साथियों चुन्नू कुमार और बिरजू सहनी के साथ हुई। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये जो 23 तारीख को सुधा डिस्ट्रीब्यूटर की लूट की घटना हुई थी, लूट से हत्याकांड हुआ था, उसमें यह मुख्य शूटर था। घटना के बाद से फरार चल रहा था। ये रहने वाला सहदेव के वैशाली का है, लेकिन इसका घर नानी घर करपुरी ग्राम में है। वहीं से नानी घर से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों को अलग से आर्म्स एक्ट का केस दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही सुधा डिस्ट्रीब्यूटर हत्याकांड वाले में भी रिमांड किया जाएगा। और भी किसी मामले में इस पर और भी कई केस है, जिसमें सहदेई ओपी क्षेत्र में L&T फाइनेंस वाले को गोली मारकर लूट का घटना किया था, उसमें लाइनर का काम किया था। इसके अलावा सुजावलपुर सकरा मुजफ्फरपुर में एक CSP की लूट हुई थी 25/8/21 की, उस घटना में भी है।